हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। वीडियो पूरे देखिएगा, आपको पूरा जानकारी मिलेगा। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती आई है दोस्तों, 107 पदों पे भर्ती है। और जो इसका फॉर्म डालना जबकि स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, तो कहने का मतलब है वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरा फॉर्म डालने की प्रारंभिक तिथि और लास्ट डेट तक और पूरा एग्जाम प्रोसेस पूरा विभिन्न प्रकार का हम बताएंगे आज आपको। तो मध्य प्रदेश की 107 पदों पर भर्ती आई है, तो आइए वीडियो पूरा देखिए। तो मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी में 107 पदों पर भर्ती आई है और इसका जो भाषा रहेगा वो हिंदी रहेगा और परीक्षा मोड रहेगा वो साक्षात्कार रहेगा और आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन रहेगी। नौकरी स्थान बोले तो मध्य प्रदेश ऑफलाइन फॉर्म का मतलब ऐसा रहेगा, जिस स्थान पर आपका भर्ती हो रही है उसी स्थान के ब्लॉक और हेडक्वार्टर में आपका फॉर्म डाला जाएगा। और इसकी बात करें जो अधिसूचना दिनांक है वो 5/1/2022, आवेदन करने की तिथि है वो 5/1/2022 और अंतिम तिथि और 25/1/2022। तो कहने का मतलब है दोस्तों, 2022 के जो पहला मंथ जनवरी है उसी में आपका पूरा प्रोसेस चला जाएगा फॉर्म डालने की और अंतिम तिथि तक। तो और रही बात दोस्तों इसमें पद की बात करें तो 107 पदों पर भर्ती है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती 40 है और सहायिका की 65 और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 2 है दोस्तों। कुल मिलाकर 107 पदों पर भर्ती होने वाली है और इस कहने का मतलब है दोस्तों, मध्य प्रदेश जो आंगनबाड़ी की भर्ती है वो 3 प्रकार से भर्ती इसकी आने वाली है दोस्तों। अलग अलग विभागों में आपकी अलग अलग भर्ती है दोस्तों, लेकिन विभाग आंगनबाड़ी है। लेकिन दोस्तों पोस्ट की बात करें तो 3 प्रकार का पोस्ट है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 40 है, सहायिका का 65 और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 2 है। रही बात दोस्तों हम वर्ग का नाम बता देते, सामान्य OBC ST SC पे इसकी भर्ती आने वाली है दोस्तों। लेकिन शुल्क की बात करें तो इसमें तीनों में शुल्क अभी नहीं बताया गया और फॉर्म डालना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों कहने का मतलब है फ्री शुल्क है और फ्री में आपका फॉर्म डाल सकते हैं महिलाओं के लिए खास करके।